आज का ईमेल है, हेलो स्टॉक वेगेंजा, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और साथ ही चालाक इन्वेस्टर भी बनना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फंडामेंटल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताएं। पूजा बाबर, मुंबई, महाराष्ट्र। देखो पूजा, जब हम सब्जी खरीदने सब्जी मंडी जाते हैं तो हम सब्जी खरीदने से पहले उसे 4 बार परखते हैं और देखते हैं कि सब्जी कैसी है, सब्जी के पत्ते कैसे हैं, कहीं मली हुई तो नहीं, फ्रेश है भी या नहीं, और ये सब परखने के बाद हम भाव करना शुरू कर देते हैं। भाव करना तो हमारे खून में ही है। 20 रुपए की सब्जी लेते समय भी हम कहते कि क्या भाई साहब, सब जगह तो 15 रुपए में मिल रही है और आप 20 रुपए बोल रहे हो। यानी अपने अपने अंदाज में हर कोई भाव करता रहता है। और तो और, सब्जी मंडी में हम हमेशा दो चार जगह पर जाके देखते हैं कि कहाँ पर अच्छी सब्जी मिल रही है, कौन क्या भाव में बेच रहा है। भाव करना हम कभी नहीं भूलते। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली भाव नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करके आप इनडायरेक्टली भाव कर सकते हो। आगे चलकर हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि 20 रुपए की सब्जी को भी हम इतना सारा परखते हैं तो हजारों लाखों की इन्वेस्टमेंट करते समय इतनी लापरवाही कैसे? सब्जी कैसी है, फ्रेश है या नहीं, और सही भाव पर खरीदना, यही सब तो फंडामेंटल एनालिसिस है। ज़्यादातर लोगों को तो सारे ज़माने की जल्दी होती है, बिना देखे कुछ भी ले लेते हैं, जो कि ज़्यादातर समय मला हुआ होता है, और इसी गलती का भुगतान उन्हें लॉस झेलकर करना पड़ता है। और भाव की तरफ तो अब ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं, चाहे शेयर कितना भी ओवर प्राइस क्यों ना हो। शेयर मार्केट में चाहे हज़ारों स्ट्रेटेजीज क्यों ना हो, लेकिन हर स्ट्रेटेजी में फंडामेंटल एनालिसिस आता ही आता है। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी पर अप्लाई करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी जिनके आधार पर फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, जैसे अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी टर्म्स आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, इनके बिना आप आगे नहीं जा सकते। हम शुरुआत ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर से करेंगे। अर्निंग पर शेयर का मतलब उसके नाम में ही छुपा है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि आपने खरीदे हुए एक शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख और कंपनी के टोटल शेयर से 2 लाख, तो एबीसी कंपनी का ईपीएस आएगा प्रॉफिट दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 2 लाख, देयर फॉर 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल टू 5, देयर फॉर कंपनी एबीसी का ईपीएस है 5। इसका मतलब है कि कंपनी को एक शेयर पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, चाहे शेयर का भाव कितना भी हो। एक बार पर गौर करना कि हाँ, एक शेयर पर 5 रुपये का प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, शेयर होल्डर को नहीं। अब आप सोचोगे कि प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी? तो देखो, ये सब चीज़ें हमें कंपनी के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है। आगे चलकर जब हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट्स करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसलिए आप इन सब चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। फिलहाल बस फिनेंशियल टर्म समझने की कोशिश करो। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते कि एक्स वाई जी नाम की भी कोई कंपनी है, कंपनी की कुल कमाई यानी प्रॉफिट है 5 लाख और कंपनी के टोटल शेयर से 50 हज़ार, तो कंपनी एक्स वाई जी का ईपीएस आएगा प्रॉफिट दैट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 50 हज़ार, देयर फॉर कंपनी एक्स वाई जी का ईपीएस आएगा 10। जितना ईपीएस ज़्यादा उतनी कंपनी अच्छी। अगर किसी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा है तो वो हमें बताता है कि कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल है। इस एग्जाम्पल में एबीसी का प्रॉफिट एक्स वाई जी के डबल है, फिर भी ईपीएस के आधार पर कंपनी एक्स वाई जी कंपनी एबीसी से स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज एक्स वाई जी का ईपीएस एबीसी से बड़ा है। ईपीएस यहाँ हमें बता रहा है कि कंपनी एक्स वाई जी की प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी कंपनी एबीसी से ज़्यादा है। ऐसा नहीं चलेगा कि एक्स वाई जी का ईपीएस बहुत बढ़िया है इसलिए एक्स वाई जी के शेयर बाय करते हैं। नहीं, सिर्फ एक चीज़ को देखकर आप शेयर बाय नहीं कर सकते। शेयर्स बाय करने से पहले आपको सब कुछ देखना होता है। ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ सब्जी फ्रेश है इसलिए मैं सब्जी ले लेता हूँ। नहीं, आपको सब्जी मली हुई है क्या ये भी देखना होता है, कहीं कीट लगी है क्या ये भी देखना होता है। तो आपको सभी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, सिर्फ ईपीएस से काम नहीं चलेगा। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई शेयर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा होता है और आप भी उसे बाय करना चाहते हो, लेकिन मन ही मन आपको लगता है कि कहीं ये शेयर ओवर प्राइस तो नहीं, मतलब शेयर की प्राइस जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं। ऐसे समय प्राइस टू अर्निंग रेशियो यूज करके आप पता कर सकते हो कि सचमुच शेयर ओवर प्राइस है या नहीं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के प्रॉफिट के आधार पर आपको कंपनी के शेयर्स किस भाव पर खरीदने चाहिए।
प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ वन शेयर मतलब एक शेयर की कीमत डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पिछला ही एग्जांपल लेते हैं, मान लो कंपनी एबीसी के एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है और कंपनी एक्सवाईजी के एक शेयर की प्राइस भी 100 रुपये है। और जैसे कि अभी हमने देखा कंपनी एबीसी का ईपीएस 5 है और कंपनी एक्सवाईजी का ईपीएस 10 है। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ कंपनी एबीसी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन शेयर दैट इज 100 रुपी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर दैट इज 5। देयरफॉर कंपनी एबीसी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आएगा 20। सिमिलरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ कंपनी एक्सवाईजी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन शेयर दैट इज 100 रुपी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर दैट इज 10। देयरफॉर कंपनी एक्सवाईजी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आएगा 10। सो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि कंपनी एक्सवाईजी की 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर 20 रुपए पे करने के लिए तैयार है, वही कंपनी एबीसी की 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर 10 रुपए पे करने के लिए तैयार है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13 से 20 के बीच में है तो उसे फेयर वैल्यू माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से बड़ा है तो उसके दो रीज़न होते हैं, या तो कंपनी का शेयर ओवर प्राइस है या कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है, इसलिए इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर के लिए ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो है यानी 13 से कम है तो उसके दो रीज़न होते हैं, या तो कंपनी का शेयर अंडर प्राइस है मतलब शेयर की प्राइस जितनी होनी चाहिए उससे कम है, या कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस खराब होने वाली है इसलिए इन्वेस्टर को इस कंपनी के शेयर में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यूज करके आप दो कंपनियों को कंपेयर कर सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखना कि दोनों भी कंपनीज एक ही सेक्टर की होनी चाहिए। जैसे डायमंड इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स की कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो होता है, वही एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल और आईटी कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई होता है। सो अगर किसी डायमंड कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13 है और किसी आईटी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डायमंड कंपनी अट्रैक्टिव है बिकॉज उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। नहीं, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री की हर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कम ही मिलेगा, वही आईटी, फार्मास्यूटिकल इन कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हाई ही मिलेगा। इसीलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो यूज करके आप सिर्फ एक सेक्टर के अलग अलग कंपनियों को कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप पहले कोई एक सेक्टर चूज कर सकते हो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और बाद में प्राइस टू अर्निंग रेशियो यूज करके आप उस सेक्टर की कंपनियों को कंपेयर कर सकते हो। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है तो पता लगाओ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम क्यों है, पता लगाओ कि कहीं कंपनी कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रही है। अगर प्रॉब्लम फेस कर रही है तो पता लगाओ कि प्रॉब्लम टेम्पररी है या परमानेंट। जो कंपनी लॉस में होती है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निगेटिव होता है, और निगेटिव प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ऐसी कंपनियों के लिए प्राइस टू सेल्स रेशियो यूज़ किया जाता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ वन शेयर यानी एक शेयर की कीमत डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। बस अर्निंग की जगह डिनोमिनेटर में सेल्स डाल दो। अगर आप अपने एनालिसिस के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल रहे हो तो इट्स ओके, आपको प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्राइस टू सेल्स रेशियो ज़्यादातर उन कंपनियों के लिए यूज़ किया जाता है जो कंपनियां लॉस में होती है। प्राइस टू सेल्स रेशियो का एडवांटेज ये है कि सेल्स के नंबर चेंज करना कठिन होता है। अकाउंटिंग के रूल्स का गलत फ़ायदा उठाकर अकाउंटेंट प्रॉफिट के नंबर्स इजीली चेंज कर सकता है, लेकिन सेल्स के नंबर चेंज करना बहुत कठिन काम होता है। कंपनी का डेट यानी कर्ज फंडामेंटल एनालिसिस का महत्वपूर्ण भाग है, तो आगे चलकर हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 09049641491। आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हो www.facebook.com/stockvaganza। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 09049641491। आप हमें अपना सवाल ईमेल भी कर सकते हो, हमारा ईमेल आईडी है stockvaganza@gmail.com।